भाइयों को, मंचस्थ विराजमान अभ्यागत सज्जनों को और विशेषकर अपने अनुज तुल्य डॉक्टर अनिल मिश्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े संकल्प को लिया है। परमात्मा शिव बाबा ने हमको लोगों को निमित्त किया है, निश्चित तौर पर ये सपना साकार होगा। इन शब्दों के साथ पुनः सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें औपचारिकता में नहीं लेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि दो शब्द आशीर्वचन अपने भावों को उद्बोध करते हुए करने का कष्ट करें। ओम शांति। आज के इस दिव्य कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम श्रद्धेया राजयोगिनी दादी जी, हमारी दिव्य बहने, आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन्होंने अहर्निश प्रयास किया, रात दिन मेहनत करके, ऐसे हमारे वरिष्ठ डॉक्टर राम बाबू जी हमारे बीच में, रोहतगी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर टंडन जी बैठे हैं, मिश्रा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और ब्रह्मा कुमारीज की उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के विंग के मेडिकल विंग के प्रभारी के रूप में डॉक्टर साहब हैं और मैडम डॉक्टर साहब हैं। आप सारी यहाँ पर उपस्थित दिव्य बहनें, दिव्य भाइयों, यदि कोई मुझसे आज पूछे कि 6 महीने पहले आप कानपुर में आए थे, इन 6 महीनों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक उपलब्धि है, वह परम श्रद्धेया दादी से मेरा सानिध्य हो जाना, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना, ये एकमात्र उपलब्धि है कानपुर आने की। यह अनुभूत की विषय है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह परम पिता स्वयं करता है, शिव बाबा स्वयं करते हैं। जो परम पिता करता है उसकी स्थिति ऐसी होती है जो वो गूंगो मीठे पलको रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा व्यक्ति है, आप उसको बहुत ही मीठा फल खिला दीजिए, वो क्या बताएगा, केवल इशारों में ही बता सकता है, और इशारों में आप उसकी अनुभूति कर कैसा लगा होगा। आप सब परिचित हैं, ये कोरोना महामारी का काल था, विश्व पूरी तरह से ठहर गया था, लगभग 1 वर्ष हो गया, आज भी विश्व ठहरा हुआ है, क्योंकि पूर्णतया इस कोरोना महामारी पर अभी भी वो काबू नहीं पा सका है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का इजाद किया, हमारे देश के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के नेतृत्व ने जो महाअभियान टीकाकरण का था उसको आपने देखा, 16 तारीख को प्रारंभ कराया गया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, 15 तारीख की रात को 10 बजे या 11 बजे परमात्मा कुछ विचार लाता है आपको, सद्विचार। रात को 16 तारीख को हम लोगों का 10 बजे कार्यक्रम था वैक्सीनेशन प्रारंभ करने का, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, सबसे बड़े मंडल के मंडलायुक्त होते हैं, फिर DIG, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, CDO, ADM, सारे लोग वहाँ आने वाले थे। राम बाबू सर, हम लोग रात को काफ़ी देर तक बैठ करके
कार्य करते रहते हैं, चिकित्सा है, स्वास्थ्य विभाग के हित की बहुत सारी योजनाओं पर विचार विमर्श करके उनको लागू करने का कार्य करते रहते हैं। रात को मेरे जब मन में आया तो मैंने डॉक्टर रामाभूषण से, जो मेरे से 15 वर्ष पुलिस के भी सर्विस के भी, मैंने कहा सर मेरे दिल में बात आ रही है कि महा टीकाकरण अभियान है, महामारी के विरुद्ध है, तो इसको सामान्य जो भौतिक शक्तियां हैं या भौतिक जगत के पद पर बड़े पद पर जो आसीन हैं उनके साथ इसमें आध्यात्मिक शक्ति जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा, और जो जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है वो भी पूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दादी कल आए और उनके हाथों हम लोग इसका उद्घाटन कराएं, क्योंकि आप जानते हैं विश्व के एक बड़ा देश भारतवर्ष है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा यह प्रदेश कहें तो उत्तर प्रदेश है, और आबादी के रूप में और समस्याओं के रूप में जो कोरोना की समस्या थी उसमें सबसे कठिन कोई जनपद था तो कानपुर था। हमारी ये थी कि इस जो विश्व की समस्या हमारे सामने है वह कानपुर का माध्यम से कहीं ना कहीं वो परमपिता शिव बाबा किसी को निमित्त बनाएगा उसी के माध्यम से अपनी शक्ति का संचार के लिए। सर ने पहले कहा कि रात इतनी हो गई है कैसे हम लोग सवेरे दादी को कह करके लाएंगे, एक संकोच होता है, 93 वर्ष की दादी है, शरीर की अपनी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने ये हमेशा मुझे मेरा अनुभव रहा है जीवन का कि यदि आपसे कोई परमात्मा से प्रेरित विचार आपके हृदय में आता है, परमात्मा ही उसको प्रेरित करता है, परमात्मा ही पूर्ण करता है, आप सिर्फ उस विचार को बिल्कुल एक लक्ष्य के रूप में आप उसको देखिए वो पूर्ण हो जाता है। सर ने कहा, हमने कहा सर मेरा इच्छा है, कह अच्छा ठीक है, तुरंत निकल लिए और रात को ही कैसे उन्होंने किससे दीदी को किसको फोन किया और सवेरे दादी तैयार हो गई, वहाँ पर ठीक 10 बजे पहुँच गई। सारे अधिकारी गण थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की हो रही थी आपके उनका उद्बोधन हो रहा था, कमिश्नर साहब बड़ी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, हम लोग ले गए। मैं ये ले रहा हूँ कि जब आध्यात्मिक तेज सामने होता है तो जो भौतिक ऐश्वर्य है वो भौतिक ऐश्वर्य नत हो जाता है उसके सामने। कमिश्नर सबसे बड़ा पोस्ट होते हैं मंडल की, सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। मैंने जब दादी को सामने लाए, मेरे भाई यहाँ पर हैं, दीदी हैं, सब लोग, जब मैंने परिचय दादी का कराया कि ये दादी हैं, 93 वर्षीय राजयोगिनी दादी हैं, कमिश्नर साहब अपनी बड़ी वाली कुर्सी से उठ गए, उठने के बाद उस कुर्सी पर दादी को बैठाया और दादी के बगल वाली कुर्सी पर दीदी को बैठाया और सबसे छोटी कुर्सी एक लेकर के इनके बगल में बैठ गए। यह हमारे देश की परंपरा रही है, जहां ऋषि के सामने, जहां जो साधना में रत है, जहां जिसके पास आध्यात्मिक तेज है, जो संसार को एक दिशा देता है, उसके सामने राजा नत हो जाता था, उसके चरणों में बैठता था। और इसका वो जो ऋषि परंपरा है वो हमारे कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने उसको पूरी तरह से पूरा किया और दादी को वहां बैठाया। बैठाने के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूर्ण हुआ तो जब आगे आए तो जो शेड्यूल था प्रोग्राम, वो कमिश्नर को फीता काट करके उद्घाटन करना था, लेकिन
वहाँ भी जो हमारे देश की ऋषि परंपरा है उसका उन्होंने पालन किया, कहा मैं नहीं फीता काटूंगा, दादी फीता काटेंगी, और वो खड़े रहे, पीछे खड़े रहे, और दादी ने उसका फीता काट के उद्घाटन किया, और सारे यहाँ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको छापा बड़ी बड़ी हेडिंग से, 93 वर्षीय राजयोगिनी दादी ने इस महा टीकाकरण अभियान का कानपुर में उद्घाटन करके प्रारंभ किया। केवल इतनी ही बात नहीं है, इसको और आगे तक जाना था। हम लोगों ने नहीं देखा था, बाद में मुझे पता चला कि उस फोटो को जिसमें दादी उसका उद्घाटन कर रही है, फीता काट रही है, कमिश्नर महोदय ने अपने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के यहाँ ट्वीट किया। वो दादी द्वारा उद्घाटन करते हुए फोटो जिसमें कमिश्नर पीछे खड़े हैं, यह प्रधानमंत्री के कार्यालय में गई, और इसके बाद वो फोटो फिर ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में गई। इसका मतलब हुआ कि जो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो शक्ति उसके माध्यम से उस फोटोग्राफ, कोई ना कोई माध्यम चाहिए ईश्वरीय शक्ति के संचार के लिए, वो शक्ति वहाँ तक गई। प्रथम चरण में कानपुर में जितने भी टीके लगे, किसी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। पहला टीका दादी जी के समक्ष मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि जो टीके को लेकर के शंका थी, जो भ्रांति थी, वह दूर हो जाए। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग का कानपुर का मुखिया भी हूँ, तो मैंने कहा यदि मैं टीका लगवा लिया है और मैंने आधे घंटे तक जो नियम है उसमें ऑब्जर्वेशन में रहे, और आधे घंटे बाद आकर के मैं अपने ऑफिस में कार्य देखने के बाद जितने टीकाकरण केंद्र थे सारे टीकाकरण केंद्रों पर जा कर के रात को 9 बजे तक लौटे, तो मैंने ये कहा कि यदि मैं पूरी तरह से टीका कराने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद स्वस्थ हूँ, अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा हूँ और फील्ड का दौरा कर रहा हूँ, तो आप भी लगाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, और इसका लोगों पर प्रभाव पड़ा, हर जगह उत्साह देखने को मिला, और इसके बाद ये हो गया तो लोगों में लगा कि हम टीका पहले लगाएंगे, हम पहले लगाएंगे, हम पहले लगाएंगे, सारी शंका दूर हो गई। ये होता है दिव्य शक्ति का भौतिक जगत में प्रवेश करके उसको जो पवित्र ढंग से है उसको चलाने के लिए दिशा देना, उसको पूर्ण करना। भारतवर्ष में भी कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई कि टीकाकरण से किसी को कोई नुकसान हो गया। मैं प्रार्थना करूंगा परमपिता परमेश्वर से, शिव बाबा से, दादी से, आगामी भी जितने सत्र हों, केवल कानपुर में नहीं पूरे भारतवर्ष में, ये दिव्यता उन सत्रों में इनकी आपकी चलती रहे उसी तरह से प्रवाह, और किसी को कोई परेशानी न हो इस टीकाकरण से। एक प्रार्थना मेरा परमपिता परमेश्वर से है, शिव बाबा से है। मैं दादी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि दादी इतनी शॉर्ट नोटिस पर गई और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। दूसरी चीज, इसके बाद कोई चीज ऐसी लगती है, यदि आँख ज्योति है तो आज दुनिया देख रहे हैं, रोशनी चली गई दुनिया शून्य हो गई, ये केवल उसी से पूछा जा सकता है, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसकी रोशनी नहीं गई है वो नहीं जान सकता कि जिसकी आँख की रोशनी चली गई है उसके सामने अंधेरा किस तरह से छा जाता है। इस कार्यक्रम में जब हम लोगों की चर्चा हुई डॉक्टर राम बाबू सर से, तो ये हुआ कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जो मोतियाबिंद के पाकर के जो रोशनी चली जाती है, जिसके लिए अंधेरा हो जाता है, उसको इस तरह से कर दिया जाए, क्योंकि इसको हम आसानी से
ऑपरेशन करके दूर कर सकते हैं। दूसरा यदि कोई आँख का रोग है जिसके पाके रोशनी जाती है, उसको हम दूर कर पाए या न कर पाए वो उस रोग की स्थिति पर होता है, परंतु मोतियाबिंद हम पूरी तरह से ऑपरेशन करके शत प्रतिशत उसको रोशनी दे सकते हैं। ये हमारा है सही समय से सही व्यक्ति द्वारा सही ढंग से उसका ऑपरेशन हो जाए। तो हम लोगों को ये लगा कि यदि एक मोतियाबिंद मुक्त कानपुर जैसा एक प्रोजेक्ट चलाया जाए, वो प्रोजेक्ट जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उनके साथ यदि हमारे इसका जो ईश्वरीय शक्ति है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी इसकी राजयोगिनी, इनकी जो आपके सात्विकता है, हमारी दादी की जो साधना है, उस साधना का जो वाइब्रेशन है, यदि वो उसमें मिल जाए तो जैसे हमारा टीकाकरण का अभियान प्रथम चरण में सफल हुआ और जैसे हमें विश्वास है कि हमें अगले चरण में सफल होगा, वैसे ही हमारा ये अभियान भी पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि भौतिक शक्ति के साथ जब आध्यात्मिक शक्ति एक साथ मिल जाती है तो हम उसे पूर्ण कर लेते हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने बनाया और सारे लोग आपके रोहतगी जो अस्पताल है इतनी बड़ी, उसके अटेंडेंट साहब बैठे हैं, शंकरा नेत्र चिकित्सालय को हम लोगों ने जाके देखा, दूसरी जगह पर देखा ऑपरेशन के लिए, और आप सारे लोग तैयार हो गए। मेरा ये मानना है सर कि जो शासकीय सुविधाएं हैं वो तो हैं ही, मुझे लगता है कि इस दिव्य कार्य में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, टंडन जी बैठे हैं, जहां वो शासकीय सुविधा देने में शासन अपनी वित्त से असमर्थ हो जाएगा, वहां भी इस अभियान को ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोग मिल करके उसको पूरा करा देंगे। हम समाज से, समाज हमारे पास यदि हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी समाज हमें देगा, हम उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन ये लक्ष्य हमें पूरा करना है। यह मोतियाबिंद मुक्त कानपुर का जो मॉडल चलेगा, मैं सोचता हूँ ये पूर्ण होने के बाद ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल बन जाएगा। जो भी और वहाँ पर ये जो शक्ति, दिव्य शक्ति यहाँ से जा रही है, उसका प्रभाव होगा। हमारे पास करीब 40 या 50 लाख का यदि पॉपुलेशन के कर लें, तो कल हम लोग देख रहे थे लगभग 2 लाख ऐसे लोग हमको मिलेंगे जिनमें मोतियाबिंद की संभावना है। 2 लाख लोग मोतियाबिंद है, जिनको यह सही समय से ऑपरेशन न किया जाए तो उनके लिए संसार अंधेरा हो जाएगा। संसार में उन 2 लाख लोगों को समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करके उनको पुनः वैसे जैसा उनको परमपिता ने जब पैदा किया तो जो रोशनी दिया था वही रोशनी उस परमपिता की शक्ति लेकर के हम लोग देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। दादी से आशीर्वाद लेकर के हम लोगों के साथ जो दूसरे भी विनोद मिश्रा जी हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, अच्छा कार्य करते हैं, इन लोग भी आ गए हैं आज। ये सारे लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे। हमें निकालना है, स्क्रीन करेंगे हम कि कौन सा व्यक्ति है जिसको मोतियाबिंद है। यदि उसकी स्क्रीनिंग होने के बाद लिस्ट बना करके हम सारे चिकित्सालयों को एक बार, मैं सारे लोगों को चाहता हूं सर कि जितने चिकित्सालय हैं उनके सारे चिकित्सक उनके प्रशासक सब लोग आए, सब इस दिव्यता का की अनुभूति करें। जब वो दिव्यता आप में प्रवेश कर जाती है तो आपका जो कार्य और व्यवहार ये दोनों बदल जाता है, दोनों दिव्य हो जाता है। तो उसकी उस दिव्य हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। आज उसका शुभारंभ आदरणीय दादी के हाथों से हुआ, जैसे हमारे टीकाकरण का शुभारंभ हुआ था वैसे ही आज के कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ। मुझे विश्वास है शिव बाबा अपनी शक्ति देंगे और हम लोग इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर सफल होंगे। और जैसा कि डॉक्टर राम बाबू साहब को जो मैं महसूस करता हूँ, इनको शिव बाबा ने अलग तरह का व्यक्ति बना के भेजा है। मुझे लगता है कि कभी थकते ही नहीं, रात को 12 बजे भी यदि कोई कार्य है, मैं कहता हूँ कि अब भाई अब सोया जाए, सोने के लिए है,
और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ सो जाइए, वहाँ नहीं सोएंगे, फिर अपने घर जाएंगे गाड़ी चला करके और रात को। लेकिन 12 बजे रात तक भी कार्य करते रहते, कुछ न कुछ कार्य चाहिए। तो ये जो कर्म योग का है, जो समर्पित कर्म योग है, उसका एक जीते जागते स्वरूप में हम लोगों को डॉक्टर राम बाबू साहब उसको जीते जागते स्वरूप है। मुझे लगता है कि जो मेरी दिव्य बहनें हैं, आप लोगों का एक बार एकाग्र चित्त होकर के साथ में, एक साथ आप इसको सोचें, केवल एक भाव अपने मन में लाएं कि यह कार्यक्रम दोनों, जिसमें दादी ने हमारा महा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया और दादी आज जो कैटरेक्ट फ्री कानपुर, मोतियाबिंद मुक्त कानपुर के लिए जो शुभारंभ किया, आप अपने अपने जहां भी हैं प्रातःकालीन प्रार्थना में जब आप ध्यान करती हैं, उस समय आप केवल परमपिता से एक प्रार्थना करें कि बाबा इसको अभियान को सफल करें, दोनों को आप रोशनी दें जिनके रोशनी नहीं है, और इस कोरोना महामारी को, जो महामारी भी तो आप ही की देन है, अब इसको समाप्त करें हो जाए, सब कायदे से रहें, किसी प्रार्थना नहीं, मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो। आपकी सामूहिक प्रार्थना का जो असर होगा, वो बड़े बड़े कार्यक्रम से वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, जो केवल सात्विक हृदय से इस सामूहिक प्रार्थना से मिल जाएगा। मेरी अपनी दिव्य बहनों से अनुरोध है कि आप इसको अवश्य करें। मैं एक बार पुनः आप सारे लोगों को, मैं जितने जो नेत्र चिकित्सालय हैं उनके प्रशासकों से, उनके चिकित्सकों को धन्यवाद देते हुए, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राम बाबू साहब को धन्यवाद देते हुए, मैं दादी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की जो ऊर्जा आप में है, उसके प्रवाह का आप माध्यम बने, आपके द्वारा वो प्रवाह बने और हम अपने कार्यों में सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।